गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आज पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न पढ़ने के पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सेल जंक्शन के बारे में। आप लोगों को आई होप सब समझ में आया होगा कि सेल जंक्शन क्या होता है। नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से अभी रिपीट कर रही हूँ, शॉर्टली मैं आपको समझा रही हूँ सुपरफिशियली। और फिर भी यदि आपको कुछ में कुछ इश्यूज है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। सेल जंक्शंस का मतलब होता है सेल का स्टेशन। जब दो सेल आपस में मिलके जब जहाँ से जुड़ी हुई होती है, जहाँ से सेल का कम्युनिकेशन होता है, उसको कहते हैं हम सेल जंक्शन। एक सेल दूसरी जगह से जुड़ी हुई है, उस जुड़ाव को, उस कनेक्शन को हमने क्या कहा, सेल जंक्शन। ओके, लाइक स्टेशन, दो स्टेशन मिलके एक शहर को जोड़ते हैं तो उसको क्या कहा हमने, स्टेशन। वैसे ही दो सेल्स जुड़ के और दो शहर जुड़ के एक स्टेशन बनाते हैं, वैसे ही दो सेल जुड़ के एक जंक्शन बनाती है, उसको कहा हमने सेल जंक्शन। हमने चार टाइप के सेल जंक्शन देखे थे। पहला देखा था हमने टाइट जंक्शंस, एडिशन जंक्शन, डेस्मोसोम्स, हैमी डेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शंस। फाइव टाइप के हमने जंक्शंस देखे थे। इनको हमने अलग अलग, उनके बारे में हमने पढ़ा भी था और इसके डायग्राम भी देखे थे। आपको इसमें कुछ भी इश्यूज है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल डिविज़न। जो भी बच्चे हैं जिन्होंने 12th क्लास में बायोलॉजी पढ़ा था, उन सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि सेल डिवीज़न क्या होता है। ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि HAP का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जिन लोगों का सब्जेक्ट अभी मैथ्स था और अब वो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो पहली बार HAP पढ़ रहे हैं, तो उनको सेल डिवीज़न बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं हम सेल डिवीज़न से। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, सेल डिवीज़न की डेफिनेशन को देखते हैं। सेल डिवीज़न इज द प्रोसेस बाय विच सेल रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स। ठीक है, सेल डिवीज़न एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर सेल अपने आप को फिर से रिप्रोड्यूस करती है, खुद को ही रिप्रोड्यूस करके एक नई सेल बनाती है, जिसको क्या कहा हमने, सेल डिवीज़न। ओके, टू टाइप से सेल जो होती है वो सेल डिवीज़न होता है टू टाइप से। पहली सेल होती है सोमेटिक सेल, ठीक है, दूसरा होता है जर्म सेल। ठीक है, सोमा मतलब होता है बॉडी, ठीक है। अ सोमेटिक सेल इज एनी सेल ऑफ द बॉडी अदर देन अ जर्म सेल, ठीक है। मतलब सोमेटिक सेल वो सेल होती है जो जर्म सेल के अलावा जितनी भी सेल्स हैं वो होती है सोमेटिक सेल। जैसे हमारे लीवर की सेल हो गई, हमारे किडनी की सेल हो गई, हमारे हार्ट की सेल हो गई, तो इट्स कॉल्ड सोमेटिक सेल। अब बात करते हैं जर्म सेल की। अ जर्म सेल इज अ गैमेट, स्पर्म और ओसाइट और एनी प्रिकर्सर सेल डेस्टिन्ड टू बिकम अ गैमेट, ठीक है। गैमेट सेल वो सेल होती है जो स्पर्म एंड ओवेरी ओसाइट को प्रोड्यूस करती है और उन्हें बनाती है, ठीक है, वो होती है जर्म सेल, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमारे बनने में हेल्प करती है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। यहाँ हमने बात की थी कि कौन सी टाइप की सेल्स है जो सेल डिवीज़न में पार्ट करेंगी। अब हम यहाँ टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न पढ़ रहे हैं। सोमेटिक सेल और जर्म सेल्स जो है वो हमारे सेल डिवीज़न में, ऐसी सेल्स है जो हमारे सेल डिवीज़न में यूज़ होंगी। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ सेल डिवीज़न, तो हम देखते हैं। सबसे पहला टाइप है सोमेटिक सेल डिवीज़न, दूसरा टाइप है रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न। ओके, तो पहले हम देखते हैं सोमेटिक सेल डिवीज़न में। इन सोमेटिक सेल डिवीज़न अ सेल अंडरगोस अ न्यूक्लियर डिवीज़न कॉल्ड माइटोसिस, ठीक है, एंड अ साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न कॉल्ड साइटोकाइनिन्स
टू प्रोड्यूस, टू जनरली, सॉरी टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल ईच विथ द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स एज द ओरिजिनल सेल। ठीक है, सोमेटिक सेल में जो माइटोसिस हो रहा है और साइटोकाइनेसिस हो रहा है। ठीक है, माइटोसिस का मतलब थ्रेड, माइटोस मतलब थ्रेड और साइटो मतलब सेल और काइनेसिस मतलब मूवमेंट। ठीक है, इन सोमेटिक सेल, फिर से रिपीट कर रही हूँ, इन सोमेटिक सेल डिवीजन अ सेल अंडरगोस अ न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, सोमेटिक सेल डिवीजन में क्या होगा, जो सेल में न्यूक्लियर पार्ट है उसका डिवाइड होगा, उसका डिवीजन होगा, जिसको क्या कहेंगे हम, माइटोसिस एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस में क्या होगा, थ्रेड लाइक सेल जो है वो सेल जो है वो थ्रेड लाइक हो जाएगी, और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, सेल मूव करेगी, काइनेसिस का मतलब मूव। तो इसके द्वारा क्या होगा, दो आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस होगी, जिसमें क्या होगा कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे ओरिजिनल सेल्स के। मतलब जो सोमेटिक सेल का डिवीजन हुआ, जिस सेल से नई सेल बनी, तो जितने क्रोमोसोम उसके ओरिजिनल सेल में थे उतने ही क्रोमोसोम उसकी नई सेल में मौजूद हो गए। इट्स कॉल्ड सोमेटिक सेल डिवीजन। ठीक है, फिर से समझाती हूँ कि एक सेल है, ठीक है, उसका न्यूक्लियर पार्ट डिवाइड हो रहा है, किसमें, माइटोसिस और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है, किसका, न्यूक्लियर पार्ट ऑफ सेल का, सोमेटिक सेल का न्यूक्लियर पार्ट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, किसमें, माइटोसिस में और न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है। ठीक है, हम इसको फिर से देखते हैं। न्यूक्लियर एक सेल है, सोमेटिक सेल है, उसका क्या न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है। न्यूक्लियर डिवीजन जब होगा तब उसमें माइटोसिस होगा, उसे न्यूक्लियर डिवीजन को क्या काम ने, थ्रेड। ठीक है, माइटोस मतलब थ्रेड। ठीक है, तो न्यूक्लियर डिवीजन जो होगा उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा उसका मतलब हमने क्या कहा, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल मूव करेगी। तो इन सब के होने की वजह से एक जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल, दो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल बनेगी, एक सेल से दो सेल बनेगी, बट ईच विथ द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम एज द ओरिजिनल सेल। मतलब कि उसके जो नंबर्स हैं वो बराबर रहेंगे, क्रोमोसोम के जो नंबर्स हैं वो बराबर रहेंगे। मतलब 2n क्रोमोसोम्स थे यदि ओरिजिनल सेल में, तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके डॉटर सेल में भी रहेंगे। ठीक है, इट्स कॉल्ड सोमेटिक सेल डिवीजन। क्रोमोसोम क्या होते हैं ये आप सबको पता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ओके, सोमेटिक सेल डिवीजन रिप्लेस डेड और इंज्यूर्ड सेल्स एंड एड न्यू वंस ड्यूरिंग टिश्यू ग्रोथ। ठीक है, सोमेटिक सेल डिवीजन जो होता है वो क्या करता है, जो हमारी बॉडी में डेड सेल है, इंज्यूर्ड सेल है, उसको रिप्लेस करके नई सेल को वहाँ पे ला देता है। कब लेकर आता है, जब टिश्यू का ग्रोथ हो रहा होता है। टिश्यू का ग्रोथ जब होता है तभी हमारी सेल डेवलप होती है। सेल डेवलप होती है, वो एक ग्रुप बनाती है, ग्रुप ऑफ सेल को ही हम टिश्यू बोलते हैं। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू का ग्रोथ हो रहा है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल का जब ग्रोथ हो रहा है, तो वहाँ पे ग्रोथ किसकी बात, कम किस के ग्रोथ की बात करेंगे, वहाँ के टिश्यू के ग्रोथ की बात करेंगे। तो सोमेटिक सेल डिवीजन क्या करता है, इंज्यूर्ड सेल और डेड सेल को रिप्लेस करके एक नई सेल ला देता है, और टिश्यू ग्रोथ में उससे उसको बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है, ये तो बात कर ली हमने सोमेटिक सेल डिवीजन की। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन के बारे में। रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन इज द मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूस गैमेट्स, द सेल्स नीडेड टू फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, जिसमें द सेल नीडेड टू फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, गैमेट्स प्रोड्यूस होने के बाद इसमें क्या होता है कि सेल नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचती है और जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है उसका डेवलपमेंट करती है, उसका जनरेशन करती है। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल टू स्टेप्स डिवीजन कॉल्ड मायोसिस, इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। ठीक है, दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टू स्टेप डिवीजन। ठीक है, दो स्टेप डिवीजन इसमें होते हैं जिसको कहा हमने मायोसिस। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम सब बनते हैं, तो वो मतलब जब सेल का ग्रोथ होता है, जब डिवीजन हो जाता है तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ रह जाते हैं। सोमेटिक सेल में क्या हो रहा था कि क्रोमोसोम डबल हो जाते, टू है मतलब उतने ही रहते हैं। ठीक है, सेम नंबर रहते हैं। सोमेटिक सेल डिवीजन में क्रोमोसोम के जो नंबर्स हैं वो चेंज नहीं होते, जो थे वही रहते हैं लाइक ओरिजिनल सेल। बट रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ओरिजिनल सेल से हाफ हो जाते हैं। ठीक है, यदि यदि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे तो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते। इट्स कॉल्ड टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। अब हम बात करें द सेल साइकिल की। ठीक है, अब हमको सेल डिवीजन पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल साइकिल क्या होता है, क्योंकि द सेल साइकिल जो है वो पूरा पूरा कोरिलेट करता है किसको, हमारे सेल डिवीजन को। तो सेल डिवीजन हमने थोड़ा सा सुपरफिशियली देख लिया कि सोमेटिक सेल डिवीजन होता है, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, अब इसको हम डिस्क्राइब जब पूरी तरीके से इसको हम नेक्स्ट आने वाले जो इसके बाद का जो लेक्चर है उसमें देखेंगे, बट उसके पहले हम यहाँ पे सेल साइकिल की बात करेंगे। तो हम देखते हैं सेल साइकिल क्या होता है। द सेल साइकिल इज एन ऑर्डरली सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच अ सोमेटिक सेल डुप्लीकेट्स इट्स कंटेंट्स एंड डिवाइड्स। ठीक है, द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पीरियड्स, इंटरफेस वेयर अ सेल इज नॉट डिवाइडिंग एंड द माइटोटिक मतलब एम फेज व्हेन सेल इज डिवाइडिंग। ठीक है, सेल साइकिल इज ऑर्डरली सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच सोमेटिक सेल डुप्लीकेट्स इट्स कंटेंट्स एंड डिवाइडेड्स। क्या हो रहा है, सेल साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसके अंदर सोमेटिक सेल में जितने भी इवेंट्स होने हैं वो सिक्वेंस वाइज होते हैं, जिसके अंदर अब इस इवेंट में क्या हो रहा है, सोमेटिक सेल है उसके अंदर जो सिक्वेंस वाइज इवेंट्स हो रहे हैं, इस इवेंट के अंदर सेल क्या हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है और अपने कंटेंट्स को और अपने जो कंटेंट्स है, सेल कंटेंट्स है वो क्या हो रहे हैं, डुप्लीकेट्स हो रहे हैं एंड डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, सोमेटिक सेल के अंदर क्या हो रहा है, एक कंटेंट्स जो भी हैं वो डबल हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं, और ये सारी प्रोसेस जितनी भी है ये सीक्वेंस वाइज चलती है, ये जितने भी इवेंट्स हैं ये सीक्वेंस वाइज चलते हैं, जिसको हम साइकिल का नाम देते हैं, इसको कहते हैं सेल साइकिल। ठीक है, द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पीरियड। ठीक है, सेल साइकिल में टू मेजर पीरियड्स होते हैं जिसके अंदर हम पूरी साइकिल देखते हैं। पहला होता है इंटरफेस, जिसको हम कभी पहले रेस्ट फेज भी बोला करते थे, बट अब इसको इंटरफेस बोला जाता है। व्हेन अ सेल इज नॉट डिवाइडिंग, मतलब इंटरफेस के अंदर जो सेल होती है वो डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, एंड द माइटोटिक मतलब एम फेज, इसके अंदर सेल डिवाइड होती है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस इज अ स्टेट ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट द सेल डज मोस्ट ऑफ इट्स ग्रोइंग। इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ थ्री फेसेस, G1, S एंड G2। ठीक है, इंटरफेस जो स्टेट है, ठीक है, सबसे पहले हमने बात कर ली कि इसके अंदर इंटरफेस जो है स्टेट, इसके अंदर सेल डिवाइड नहीं होती है, ये हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से सेल बहुत ज़्यादा इसमें ग्रो होती है। इंटरफेस के अंदर सेल का ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि सबसे पहली बात इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है,
रेस्ट फेज में होती है और इसमें डिवाइडेशन नहीं होता, जिसकी वजह से सेल बहुत जल्दी इसमें ग्रो करती है। ठीक है, इंटरफेज में तीन फेज हम देखते हैं, G1, S और G2। ठीक है, जी का मतलब होता है, G1 का मतलब होता है गैप 1, S का मतलब होता है सिंथेसिस, G2 का मतलब होता है गैप 2। ठीक है, अब हम गैप 1 G1 फेज की बात कर रहे हैं। इट इज द इंटरवल बिटवीन द माइटोटिक फेज एंड S फेज। ठीक है, जो G1 फेज है ये इंटरवल है माइटोटिक फेज और S फेज के बीच का। ड्यूरिंग G1 फेज सेल डुप्लीकेट्स इट्स ऑर्गेनिल्स एंड साइटोसोलिक कंपोनेंट्स बट नॉट इट्स DNA। रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स ऑल्सो बीइंग इन द G1 फेज। ठीक है, ड्यूरिंग G1 फेज सेल डुप्लीकेट्स इट्स ऑर्गेनिल्स एंड साइटोसोलिक कंपोनेंट्स। इस फेज के अंदर जो सेल है वो अपने ऑर्गेनिल्स को, अपने पार्ट्स को और साइटोसोलिक जितने भी कंपोनेंट्स है उसको डुप्लीकेट करती है, बट DNA को छोड़ के। यहाँ पे DNA का डुप्लीकेशन नहीं होता, रेप्लिकेशन होता है सेंट्रोसोम का स्टार्ट। यहाँ पे मतलब G1 फेज में सेंट्रोसोम्स का रेप्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, DNA का डुप्लीकेशन नहीं होता। जितने भी अदर ऑर्गेनल्स कंपाउंड्स हैं सेल्स के वो डुप्लीकेट होते हैं, DNA डुप्लीकेट नहीं होता और क्रोमोसोम्स का रेप्लिकेशन, सॉरी सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन यहाँ शुरू हो जाता है। ठीक है, सेल्स दैट रिमेन्स इन G1 फॉर वेरी लॉन्ग टाइम परहैप्स डेस्टिनेट नेवर टू डिवाइड अगेन आर सेट टू बी इन द G0 फेज। इसको बोलते हैं क्विंसेंट फेज, एग्जाम्पल मोस्ट नर्व सेल। ठीक है, सेल्स दैट रिमेन्स इन G1 फेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कुछ सेल्स जो होती हैं वो G1 फेज में बहुत देर तक रुक जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसका डिवाइडेशन फिर से नहीं होता। ठीक है, कुछ सेल है वो G1 फेज में बहुत देर तक, लंबे टाइम तक रुक गई है, तो एक बार यदि उसका डिवाइडेशन हो गया तो फिर से उसका डिवाइडेशन नहीं होता, इसको क्या कहते हैं हम, G0 फेज। तो वो सेल्स हमारी G0 फेज में चली जाती है, जिसको हम क्विंसेंट फेज भी बोलते हैं। मोस्टली इसका एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है नर्व सेल। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी G1 फेज की, अभी हम बात करते हैं S फेज की। द S स्टैंड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ DNA को हमने S स्टैंड्स, मतलब S फेज का मतलब होता है जहाँ पे सिंथेसिस ऑफ DNA हो। ठीक है, DNA रेप्लिकेशन अकर्स एंड द अमाउंट ऑफ DNA डबल। ईच क्रोमोसोम्स नाउ कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमोसोम। इस फेज में, S फेज में क्या हो रहा है, DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है और DNA का जितना भी अमाउंट था वो डबल हो रहा है। ठीक है, DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है, DNA से सिंथेसिस हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है और उसकी वजह से DNA का अमाउंट जो था वो डबल हो रहा है। तो जितने भी क्रोमोसोम्स थे, ईच क्रोमोसोम्स नाउ कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमोसोम, मतलब हर क्रोमोसोम के अब अपने अपने 2 सिस्टर क्रोमोसोम्स यहाँ पे बन जाते हैं ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ DNA। ओके, थर्ड है हमारा G2 फेज। द G2 फेज इज द इंटरवल बिटवीन S फेज एंड माइटोटिक फेज। G2 फेज जो है वो हमारा इंटरवल है किसके बीच में, S फेज के और माइटोटिक फेज के बीच का। ड्यूरिंग G2 फेज द सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, सेंट्रोसोम्स एंड रेप्लिकेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, G2 फेज के अंदर क्या होता है, सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। ठीक है, एंजाइम एंड जितने भी प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पे सिंथेसाइज्ड होते हैं और सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन जो G1 फेज में हमने देखा था शुरू हुआ था वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो G2 फेज में क्या हुआ,
सेल ग्रोथ कंटिन्यू रही, एंजाइम और अदर प्रोटीन सिंथेसाइज होते रहे और सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये तो बात हो गई हमारे इंटरफेज की। अब सेकेंड है हमारा एम फेज, जिसको हमने क्या कहा, माइटोटिक फेज। दिस इज द माइटोटिक मतलब एम फेज ऑफ द सेल साइकिल विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल्स कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन टू फॉर्म टू आइडेंटिकल सेल्स। ठीक है, एम फेज जो है सेल साइकिल का, वो क्या होता है इस सेल साइकिल के अंदर, एम फेज में इस सेल साइकिल के अंदर टू आइडेंटिकल सेल फॉर्म होती है जो न्यूक्लियर डिवीजन करती है और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करती है, और उसके बाद दो आइडेंटिकल सेल को फिर से बनाती है। ठीक है, न्यूक्लियर सेल और न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की वजह से फिर से दो फॉर्म, दो सेल के फिर से फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल सेल के फॉर्म हो जाते हैं, इट्स कॉल्ड एम फेज। ठीक है, अब आप ये डायग्राम देखिए, सेल साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको एग्जाम में से जरूर बना के आना है। राइट हैंड साइड वाला डायग्राम है और लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम है हमारा क्रोमोसोम का, कि क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम में टू स्ट्रैंड्स होते हैं, जिसके एक स्ट्रैंड को बोलते हैं हम क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड मिलके बनाते हैं क्रोमोसोम को। ठीक है, एक डायग्राम है क्रोमोसोम का, इसमें सेंट्रोसोम जो होते हैं, सेंट्रोसोम को हम सेंट्रोमियर्स होते हैं। सेंट्रोमियर्स क्या होते हैं, रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद काइटोकोर होते हैं, तो ये क्रोमेटिड भी यहाँ पर होते हैं, एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड मिलके बनाते हैं क्रोमोसोम। ये हमारा क्रोमोसोम का डायग्राम है। एंड ये हमारे पूरी सेल साइकिल जो हमने पढ़ी, जो सेल साइकिल स्टार्ट होती है जीवन फेज से, ठीक है, जीवन फेज से बन गई एस फेज में, एस फेज से गई जी टू में, और जी टू से माइटोसिस में। ठीक है, फिर से ये सेल साइकिल चलती रहती है। तो अब ये सेल साइकिल, जब भी आप ये कंटेंट पढ़ेंगे आपको ये सेल साइकिल समझ में आएगी। यदि नहीं आती है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, फिर भी हम इसको सुपरफिशियली इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं। सेल साइकिल स्टार्ट होती है जीवन फेज से। जीवन फेज में क्या होता है, सेलुलर कंटेंट्स एक्सक्लूडिंग द क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड। ठीक है, जीवन फेज में सेलुलर कंटेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं और क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, इस फेज में ईच ऑफ द 46 क्रोमोसोम इज डुप्लीकेट बाय द सेल। ठीक है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, वो सेल के द्वारा फिर से डुप्लीकेट हो जाते हैं। और जी टू फेज में क्या होता है, डबल चेक्स एंड डुप्लीकेट्स क्रोमोसोम फॉर एरर्स मार्क्स एंड एनी नीडेड रिपेयर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेट जो हुए थे हमारे क्रोमोसोम, यहाँ पे फिर से यदि उसमें कुछ भी एरर आ जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो फिर से यहाँ पर आके रिपेयर होते हैं। देन माइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है। फिर हमने देखा था कि जीवन फेज में कुछ जो सेल होती है जो बहुत लंबे समय से रुक जाती है, तो वो कहाँ चली जाती है, हमारे जी नॉट फेज पे, जहाँ पर हमारे जी नॉट फेज में यहाँ पे किसी भी प्रकार का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन ऑफ सेल नहीं होता है। तो ये तो हमारा था सेल साइकिल। आज हमने पढ़ा सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न कितने टाइप का होता है। अब सेल साइकिल का जो डिवीज़न होता है हमारा माइटोसिस और मियोसिस वाला जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।